विधानसभा चोणां तो पहलां शहरवासियां नाल कीते गए विकास के वादियां नूं लगातार आम आदमी पार्टी के स्थानक विधायक नरिंदर सिंह सवना वालों पूरा किया जा रहा है। इस लड़ी तहत शहरवासियां वालों नरिंदरपाल सिंह सवना नूं अपने घरां विच बुला के उन्हां दा धन्नवाद भी किया जा रहा है, उन्हां नाल चाह पानी जलपान भी किया जा रहा है। जिहड़ियां कई समस्यावां पिछले कई लंबे समय तो पूरियां नहीं होईयां उस समस्यावां दे बारे जानू भी कराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है भी जिहड़ियां ये समस्यावां सी लगभग 15-20 साल तो चलियां आ रही सी, पर आम आदमी पार्टी की सरकार आने ते आम आदमी पार्टी का विधायक बनन ते उन्हां समस्यावां वल पहल दे आधार ते ध्यान दिता गया है। उस समस्यावां नूं दूर करन विच मते भी पुआए जा रहे हैं ते काम भी शुरू कराए जा रहे हैं। इस करके वो स्थानक विधायक का धन्नवाद करने लिए घर बुला रहे हैं। अज अजिहा ही नज़ारा होया जो वेखण योग है, उत्थे की कुछ होया ये सब कुछ जानने लिए साडे नाल बने रहो। देखो जी, मैं भी एक 1.5 साल तो इत्थे रॉयल सिटी दे विच रिहायश की है, तो क्योंकि सारे शहर की जिहड़ी समस्यावां सी एमएलए साहब नूं दस्सियां कि हर एक जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने अज वैसे सारे एमसीआ की मीटिंग भी ली खुद आप, उनके जिन्हें भी काम से सारे उन्होंने जोड़े ने पास करवाए ने जिड़े जिड़े शहर के काम होने वाले से, क्योंकि इतने भी 3-4 कलोनिया विजय कलोनी होगी, एमसी कलोनी होगी, काफ़ी घर जोड़े लगते हैं, पर उन्होंने सीवरेज की वाटर सीवरेज उनकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिंद करके अब एमएलए साहब इतने सारे दुख सुख सुन आए हैं, तो उन्होंने फौरन ही जोड़ा अज मेरी ड्यूटी भी लगाई है कि कोई जो लीगल प्रॉब्लम नहीं हैगी तो आप 2-4 दिन के जो टेंडर करवा के तेन काम शुरू करवा। देखो जो पानी जो भी किसी घर की कंस्ट्रक्शन लगती है, जो भी पानी की पानी आएगा तो प्रॉब्लम तो आनी आनी है जी, क्योंकि पिछलियां सरकारां ने कोई ध्यान नहीं दिता इस वेले, पर क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्य मंतव्य यह कि जो लोगों का काम ने असं पूरे करवाने ने, असं आप वादियां ते पूरे उतरांगे करे, तो एमएलए साहब जिहड़े ने हर वार्ड दे विच जा रहे हैं, जिन्हें लोगों की समस्यावां ने उन्हें पूरा करवा रहे हैं, हुण क्योंकि फंड भी सरकार वालों जारी हो रहे हैं तो सारे शहर दी समस्यावां बहुत ही जल्द जिहड़ियां एक सरपंच नौला अज एमएलए साहब खेड़ा जी नाल सारे साडे मोहल्ला निवासी इकट्ठे होए हैं, क्योंकि साड़ी मेन सड़क की समस्या बड़े देर तो चल रही है और जदों बरसात आती है पानी पूरा भर जाता है, सीवरेज पूरा कामयाब नहीं, घरां दे अगे पानी खड़ा हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और ये समस्या बड़ी पुरानी है और पहला किसी सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिता, हुण आम आदमी पार्टी की साड़ी अपनी सरकार आई है, इस वास्ते असी एमएलए साहब नूं बेनती की सी और उन्होंने अज प्रवान भी कर ली भी मता पै गया, कहिंदे टेंडर 2-4 दिन विच करके ते काम शुरू हो जाएगा, तो असी धन्नवादी हाँ। एमसी कलोनी दे अगे विजय कलोनी आ गई, बहुत सारिया कलोनिया लग रही ने, कल्ली एक एमसी कलोनी नहीं, काफ़ी कलोनिया ने, सारिया नूं समस्या सी, इधरों लंघना बंद होया, स्कूल हैगे ने, स्कूल दे बच्चे परेशान ने, मीनस उन्हां वास्ते भी 3-4 रोड जिहड़ी आंदियां ने सारियां चों निकलना ही बंद होया पिया सी, बच्चों का भी जाना बहुत मुश्किल सी, और ये बहुत वधिया जरूरी काम सी जो अज एमएलए साहब ने आप इत्थे पहुँच के सारियां दी समस्या सुन के उन्हूं हल करन दा वादा किया और बहुत जल्दी हल होएगा सानू पूरी उम्मीद है। ये मैं 1995 इस मकान च रिहायश की सी, उहदे तों बाद एक बारी बनी है, इको बारी रोड बनी सी, उस तो बाद इहदे ते कदी रिपेयर ही नहीं हुई, ये मेरे ख्याल नाल पिछले 15 साल तो इहदी हालात यही है। असी सारिआं नूं सारे महल्ले वालिआं ने कहा सी बट टालदे रहे, पिछे भी कहिंदे रहे टेंडर हो गए लेकिन अज तक इह शुरू ही नहीं होया। सरकारी मैं अज तक खैर किसी नूं इस रूप च नहीं कहा सी, क्योंकि मैं उन्हां सरकारां तों बाहर सीगा, मैं 15 साल विपक्ष च रहा, लेकिन हुण साडी अपनी सरकार आई, असीं इन्हां नूं अपने हक ते मान नाल कहा और साडा विश्वास है भी साडा काम जरूर पहुंचियो, मोहल्ला वासियां नूं मिलियो, की कारण तां जी इहदे विच कोई नहीं, तां रूटीन दे विच असीं हर वार्ड दे विच जाके
जिहड़े वार्ड दे साडे शहर दे वख-वख वार्डां विच पहुंच रहे हैं और लोगों नूं मिल रहे हैं और जो उत्थे काम होण वाले ने उन्हां वार्डां दे विच मिल के लोगों नूं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ MC ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਿਓਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅੰਕਲ ਰਾਜ ਹੁੱਜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ MC ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ MC ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਸ ਜਲਦੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।